हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल और उसमें हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य में अष्टछाप के कवियों के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ही मेरे से सीखते हो तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपसे सीखती हूँ, आपके जो कमेंट्स हैं ना उनसे सीखती हूँ। जैसे कि योग दिवस वाले दिन पर आपने जो कमेंट किए थे ना, सच में मैं रिप्लाई भले ही नहीं दे पाई क्योंकि मेरी दीदी के बच्चे हैं ना, ये फ़ोन को मुझे देते नहीं हैं। पर मुझे कमेंट्स जो मुझे दिखे और जिनको मैं पढ़ पाई ना, मेरा दिल जीत लिया उन कमेंट्स ने, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है और मुझे भी अपने अंदर कुछ सुधार करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं कहीं पे गलत नहीं हो सकती या मेरे से गलती नहीं हो सकती। मेरे से बहुत गलतियाँ होती है, मैं भी बहुत सारी जगह गलत होती हूँ। और आपके कमेंट्स हैं ना, ये मुझे, सच बता रही हूँ, ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं और इस रूप में भी मार्गदर्शन करते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैं पर्सनल लाइफ में भी आपके कमेंट्स से सीखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि आप सभी ने बोला योगा के बारे में कि हमें करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या अच्छा है, कैसे हमारी संस्कृति से, हमारे मतलब प्राचीन जो हमारा अस्तित्व है उससे जुड़ा हुआ है योगा, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा बोला सभी ने, और मैं प्रयास करूँगी कि अब मैं रोज़ योगा करूँ। मतलब मैं आपको बताती रहूँगी मैं कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। मैं पूरा ये तो नहीं कह रही कि आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज दास के बारे में। ये है अष्टछाप के हमारे कवि, और सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे बेटे हैं। बस इनके बारे में एक तो ये तथ्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि ये कुंभन दास जी के बेटे हैं, इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के हमारे जो कवि है ना, उनमें से पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि एक तो है कुंभन दास जी हमारे, कौन है दोस्तों, कुंभन दास जी। कुंभन दास जी, यहाँ पर मैं कुंभन लिख देती हूँ, और दूसरे हमारे है ये चतुर्भुज। ये चतुर्भुज दास जी और कुंभन दास जी है, ये है पिता पुत्र। कुंभन दास जी है इनके पिता, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जान चुके हो, और उनके बेटे हैं चतुर्भुज दास जी। तो इन दोनों की है पिता पुत्र की जोड़ी, तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है ज़्यादातर। तो एक तो ये इनके बारे में प्रचलित है, और ऐसा कोई खास इनके बारे में है नहीं। सभी आप जानते हो कि विट्ठल नाथ जी के ये शिष्य है, और ये कुंभन दास जी के बेटे हैं, और अष्टछाप के कवि है। ये तीन तथ्य है ना, यही इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ज़्यादा तथ्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इनके बारे में एक पद है जो भी बहुत प्रचलित है, पहले नेट के एग्जाम में दो बार आ चुका है, तो उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ, 1530 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और कहाँ पर हुआ इनका जन्म, गाँव है इनका जमुनावती। कौन सा गाँव है दोस्तों, जमुनावती गाँव है गोवर्धन क्षेत्र में, और कौन सी जगह है ये, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इनका मृत्यु काल है वो है 1585 ईस्वी इनका मृत्यु काल है दोस्तों। इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ जी। अब इनकी रचनाओं के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, इनकी 7 रचनाएं हैं। कितनी, 7 रचनाएं इनकी है, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, और मधुमालती। ठीक है दोस्तों, ये 7 रचना है इनकी। तो यहाँ से भी देखिए, अभी तक क्वेश्चन कभी बना नहीं है कि निम्न में से कौन सी चतुर्भुज दास की रचना नहीं है या है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको जानकारी रहे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनकी जो 3 रचना है ना, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधुमालती, इनको हमारे जो डॉक्टर नगेंद्र है ना, देखिए इन तीनों रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने अष्टछापी चतुर्भुज दास द्वारा रचित नहीं माना है। इनको अन्य किसी अन्य है, राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास है, उनके द्वारा लिखी हुई माना है, उनकी रचना इनको माना है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। लेकिन इसके नीचे एक और तथ्य देखती है, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा है कि ये रचना है ये इन्हीं अष्टछाप के चतुर्भुज दास की है। तो इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो स्वीकार किया है कि ये इन्हीं की है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि ये 3 रचना है ये इन अष्टछाप के कवि की नहीं है, ये राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास अलग थे, उनकी है। ठीक है, तो ये तथ्य यहाँ पर एक आपको याद रखना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है तो ये भी आपको मालूम है। इसके बाद में आपको सभी को ये मालूम हो चुका है कि कुंभन दास जी के छोटे बेटे हैं, ये छोटे पुत्र है, और ये
यहाँ से क्वेश्चन बनने का एक ही चांस रहता है कि पिता पुत्र का जोड़ा कौन सा है, तो कुंभन दास जी है इनके पिता और पुत्र कौन है चतुर्भुज दास जी, ये इनका जोड़ा बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने, देखिए इन्होंने मतलब कि कुंभन दास जी ने स्वयं अपने पुत्र को शिक्षा दी थी और इनको खुद ही पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिलवाई थी। किसके द्वारा? विट्ठलनाथ जी के द्वारा। कुंभन दास जी ने इनको अपने बेटे को खुद ही शिक्षा दी थी, ज्ञान विद्या इन्होंने खुद ही इनको प्राप्त की थी, मतलब दी थी, और इनको पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है वो दिलवाई थी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। किसने? कुंभन दास जी ने। अब देखिए दोस्तों, ये पद है ना, ये काफ़ी चर्चित है, इनका चतुर्भुज दास जी का ये पद काफ़ी चर्चित है, दो बार नेट के एग्जाम में आ चुका है, 2013 में और 15 में। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। जसोदा का कहो हो बात, तुमरो सुत के कर्तव मोपे कहत कहे नहीं जात। मतलब कि जसोदा, क्या कहूँ तुमसे बात को, मैं तुम्हारे सुत, मतलब तुम्हारे पुत्र के जो कर्तव्य है ना, कर्तव्य मतलब कि जो कार्य है, उसकी जो लीलाएँ है, वो मेरे से कहते हुए भी कही नहीं जाती, ये कहा है इस पद में। तो इस पद को आप एक बार ध्यान में रखना। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ही आपको ये सब कुछ याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको अलग से टाइम देने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। पिता पुत्र का यहाँ पे जोड़ा बनता है कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी, ठीक है। विट्ठलनाथ जी के शिष्य है ये आप सभी जानते हो, अष्टछाप के 8 कवियों में ये आते हैं। उसके अलावा इनका जो ये पद है ये काफ़ी प्रचलित है, तो इसको भी आप पढ़ते रहना, ठीक है। जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात। मतलब तुम्हारे सुत के ऐसे कर्तव्य है, ऐसी लीलाएं वो निराली निराली करते हैं कि मैं कहना चाहूँ फिर भी मैं कह नहीं पाता, ठीक है। तो ये इन पदों में लिखा गया है, इस पद में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए यही इनके बारे में तथ्य थे जो प्रचलित है, कोई ज़्यादा विशेष तथ्य यहाँ पे है नहीं। विशेष तथ्य जो है वो है कुंभन दास जी से संबंधित, सूरदास जी से संबंधित, और आगे हम जो अभी लास्ट वाले कवि को पढ़ने वाले हैं नंदीदास जी, उनके बारे में बहुत सारे तथ्य जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो मैं अभी चलती हूँ, और हाँ, चलने से पहले एक बात बता दूँ कि आज तक आपने ये देखा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन था, छुट्टियाँ स्कूल की हो रखी, इसलिए मैं दिल्ली में थी पापा के पास। और अभी देख लिया कि मैं अपने गांव में आई हूँ, मतलब मैं अपनी जन्मभूमि आई हूँ, लेकिन कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जा रही हूँ अपने कर्मभूमि, जहाँ पर मेरी नौकरी है। कल से हमारे स्कूल स्टार्ट है, तो मैं अभी निकलूँगी 5 बजे, अभी 3 बजे है, मैं 5 बजे निकलूँगी यहाँ से, और आज जा रही हूँ, पता नहीं अब कितने दिनों में आना होगा, तो आपको दिखाऊँगी मेरी नौकरी कहाँ पर है, मैं क्या करती हूँ, कैसी नौकरी करती हूँ, सब कुछ दिखाऊँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।